स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 50,000 स्टूडेंट्स 35% आर इन कॉमर्स फैकल्टी, 30% आर इन आर्ट्स फैकल्टी, 20% आर इन साइंस फैकल्टी, 10% आर इन इंजीनियरिंग फैकल्टी एंड रिमेनिंग 5% आर इन मेडिकल फैकल्टी। ओके, तो कि टोटल 50,000 स्टूडेंट में से कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी फैकल्टी में है वो परसेंटेज के हिसाब से हम निकाल सकेंगे। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी इज 4:3। ओके, इन आर्ट्स फैकल्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डबल देन दैट ऑफ बॉयज। इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी देर आर 60% एंड 70% बॉयज रिस्पेक्टिवली एंड इन मेडिकल फैकल्टी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन इक्वल नंबर, इन और इक्वल के बीच स्पेस है वो ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन अप्रोप्रिएट टेबल। देखो क्वेश्चन को देख के पता चल सकता है कि यहाँ पर फैकल्टी वाइज स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं और उसमें भी बॉयज गर्ल्स ऐसे दो क्लास, मतलब दो तरीके से काम हो रहा है, एक फैकल्टी और एक जेंडर। तो दो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट की रो में बना देता हूँ और दूसरे एट्रीब्यूट का कॉलम बना देता हूँ। तो फैकल्टी कॉमर्स आर्ट साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल बॉयज गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस हिसाब से मेरा फॉर्मेशन हो गया। अब वन बाय वन अपने क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि आउट ऑफ टोटल 50,000 स्टूडेंट, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 50,000 है, उसमें से 30% आर इन कॉमर्स फैकल्टी। अच्छा, अभी 50,000 का 30% सपोज मुझे निकालना है, 35%, तो उसको कैसे करते हैं, 50,000 इंटू 35%, मतलब 35/100। ये एक टेक्निक है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में 50,000, देखो कैलकुलेटर में 50,000 ऐसा स्क्रीन पे लिखोगे इंटू 35 फिर डिवाइड 100, ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी टेक्निक ये है कि आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो, 50,000 इंटू 35 और फिर कैलकुलेटर में एक बटन है परसेंटेज का, तो 35 के बाद परसेंटेज को ही प्रेस कर दो तो भी आपको सीधा आंसर मिल सकता है। तो 50,000 का 35% आपको मिलेगा 17,500 कॉमर्स फैकल्टी में है। तो ये जो मैंने काम किया है उसको वर्किंग में ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले वर्किंग नंबर वन फॉर कॉमर्स, कॉमर्स में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप बोलोगे 50,000 का 35%, दैट मींस 17,500। और ये 17,500 में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, कितने बॉयज कितने गर्ल्स वो बाद में हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा स्पेस बना के रखूंगा कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, वो मैं बाद में कैलकुलेट करने वाला हूं तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा जो काम है वो है सेकेंड पोर्शन, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो आर्ट्स फैकल्टी के लिए है, ठीक है। तो फॉर आर्ट्स फैकल्टी कितने स्टूडेंट है, बोला गया है 30% आर इन आर्ट्स फैकल्टी। तो एक काम करते हैं, टोटल 30% मतलब 50,000 इंटू 30%, तो ये होना चाहिए 15,000। उसमें से कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, उसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे,
पहले मैं आर्ट्स फैकल्टी के 15,000 टोटल जो है वो मैं लिख रहा हूं। चलिए उसके बाद है 20% आर इन साइंस फैकल्टी, तो थर्ड वर्किंग जो है ये यहां पर मैं कर रहा हूं फॉर साइंस फैकल्टी। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 50,000 में से साइंस फैकल्टी में 20% है, तो 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000। उसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है उसका बाद में मैं कैलकुलेशन करूंगा। चलिए और ये 10,000 साइंस के अगेंस्ट, ये साइंस फैकल्टी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल 10,000। उसके बाद है 10% आर इन इंजीनियरिंग फैकल्टी एंड रिमेनिंग 5% इन मेडिकल। पहले इंजीनियरिंग की बात करते हैं। फॉर इंजीनियरिंग फैकल्टी टोटल 50,000 और उसका 10%। अभी आपको कैलकुलेशन टेक्निक समझ में आ गया, 50,000 इंटू 10 और परसेंटेज का मार्क जो है कैलकुलेटर में उसी को प्रेस कर दो तो ये आएगा 5,000। तो इंजीनियरिंग में 5,000 स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स उसमें बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो बाद में देखेंगे। और फिफ्थ पार्ट फॉर मेडिकल, मेडिकल में बाकी के 5% जो भी रिमेनिंग है वो, तो 50,000 के 5% मतलब 2,500, या फिर मैं यहां पर बाकी के सब आ गए 50,000 में से ये सबको माइनस कर दूं तो भी रिमेनिंग जो है वही फिगर आने वाला है और वो है 2,500। ऑफ कोर्स उसमें बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से जितना हो सकता था वो मैंने कर लिया। आगे देखते हैं, अब बॉयज गर्ल्स की बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी इज 4:3। वेरी इंटरेस्टिंग, कॉमर्स फैकल्टी में 17,500 स्टूडेंट्स में से 4:3 क्या रेशियो है? अच्छा, 4 and 3 मतलब 4+3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हर 7 स्टूडेंट में से 4 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगे, क्योंकि ये रेशियो 4:3 का है। तो 7 में से 4 and 3 4 बॉयज होंगे 3 गर्ल्स होंगे हर 7 स्टूडेंट में। तो मेरे पास हर 7 में मतलब 17,500 का 4/7 और 3/7 में निकालो तो 4/7 जो है वो क्या होगा, बॉयज होंगे और 3/7 जो है वो गर्ल्स होगी। तो वो मैं कैलकुलेशन यहां पर लिख रहा हूं, टोटल 17,500 में से 4/7 और 3/7 करेंगे तो 4:3 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 4:3 में मतलब 4+3 टोटल 7, उसमें 4/7 and 3/7 है, कितने वो मैं निकालूंगा। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप भी अपने लिए कैलकुलेट कर लो फिर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है 10,000 और ये होगा 7,500। तो बॉयज में मैं लिखूंगा 10,000 और गर्ल्स में लिखेंगे 7,500। चलो ये इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में क्या है वो ध्यान से पढ़ो। इन आर्ट्स फैकल्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डबल देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब एक बॉय के अगेंस्ट 2 गर्ल्स है। बॉयज गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो है वो किस तरीके का है, बॉय और गर्ल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर डबल, तो एक बॉय के अगेंस्ट 2 गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर डबल देन दैट ऑफ बॉय, तो बॉय गर्ल का रेशियो हो गया 1:2। अच्छा, इसका मतलब 1+2 3, तो 1/3 बॉयज होंगे और 2/3 गर्ल्स होगी।
तो इसको 1:2 में डिवाइड करें तो 1/3 and 2/3 करना पड़ेगा, किसका, 15,000 का। चलिए तो बॉयज में मैं लिखूंगा 15,000 का 1/3 और गर्ल्स में मैं लिखूंगा 15,000 का 2/3, तो ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 10,000। देखो भाई, बॉयज से गर्ल डबल हो गई, बॉयज 5,000 है, गर्ल्स 10,000 है, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर हम लिखेंगे 5,000 और यहां पर हम लिखेंगे 10,000। तो ये पूरा डिस्कशन भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइंस फैकल्टी, वहां पर बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन, अच्छा वो इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी देर आर 60% and 70% बॉयज रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब साइंस रिस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के लिए, सेकंड है वो सेकंड के लिए, ठीक है। तो साइंस फैकल्टी में 60% बॉयज है और इंजीनियरिंग में 70%, तो टोटल साइंस फैकल्टी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं और 10,000 का 60% बॉयज है, तो ऑटोमेटिकली समझ के चलो कि बाकी के 40% गर्ल्स हो जाएगी। मतलब 10,000 को मैंने 60-40 में डिवाइड किया। सेम वे इंजीनियरिंग में 70% बॉयज है तो 30% गर्ल्स हो जाएगी, लेकिन इंजीनियरिंग में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? आप बोलोगे सर 5,000 स्टूडेंट्स है और उसका 70% बॉयज है, तो बाकी जो बचे 5,000 के 30% वो गर्ल्स हो जाएंगी। चलिए तो इसका फिगर आउट करें तो ये हो रहा है 6,000 और ये हो रहा है 4,000। यहाँ 70% बोले तो ये 3,500 और 30% मतलब ये 1,500। चलिए तो इसको मैं यहाँ टेबल में प्रेजेंट कर दूँ। साइंस फैकल्टी में 6,000, 4,000 और इंजीनियरिंग फैकल्टी में 3,500 एंड 1,500। बाकी बचा मेडिकल, मेडिकल फैकल्टी में बोल रहे कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इन इक्वल नंबर। देखो वैसे तो आप देखो तो 2,500 के इक्वल मतलब दो पार्ट कर दे, हाफ एंड हाफ, तो ये आ जाएगा 1,250 और ये हो जाएगा 1,250। हाँ, लेकिन इक्वल का मतलब है रेशियो होगा 1:1, मतलब इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो 1+1 2 मतलब 1/2 बॉयज और 1/2 गर्ल्स। चलिए देख लेते हैं, 2,500 into 1/2 तो ये होगा 1,250 वैसे ये तो हमने पहले से ही रख दिया है, हाँ, लेकिन वर्किंग करना ज़रूरी है, आपको वर्किंग शो करना पड़ेगा, सिर्फ टेबल ड्रॉ कर दो ज़रूरी जो भी वर्किंग है वो आपको शो करने पड़ेंगे। चलिए अभी क्या करना है, बस सर ये बॉयज टोटल कितने हैं और गर्ल्स टोटल कितने, ये टोटल ही निकालना है। प्लीज़ आप लोग खुद भी टोटल कर लीजिए साथ में, ठीक है, बाद में देखते हैं, वेरीफाई कर लो कि ये टोटल सही है या नहीं है। चलिए चलिए तो बॉयज का टोटल हो रहा है 25,750 और गर्ल्स का हो रहा है 24,250। आप भी अपना टोटल वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया 44, जिसमें जो भी वर्किंग जो रिक्वायरमेंट में था वो सब वर्किंग हमने किए हुए हैं बेस्ड ऑन सच क्वेश्चन। मतलब ये एक इलस्ट्रेशन जो 43 का था वो भी हमने देखा, 44 भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूँ और वो है ये 44 का टाइटल। कोई भी क्वेश्चन आप टेबल ड्रॉ करो विदाउट टाइटल आप नहीं बोल सकते, तो टाइटल दे देते। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन है कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकल्टीज में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइटल में लिख रहा हूँ डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर इसके लिखे डिटेल्स ऑफ फैकल्टी वाइज स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। और वो भी कैसे भाई, जेंडर वाइज।
मतलब बॉयज और गर्ल्स का भी डिटेल हमने दे दिया। तो टाइटल होना जरूरी है, टाइटल नहीं लिखेंगे तो एक मार्क या आधा मार्क डिपेंडिंग अपॉन टोटल कितने मार्क से टेबल के उस हिसाब से कट हो जाते हैं। तो टाइटल लिखना भी जरूरी है। पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब ये पैटर्न के क्वेश्चन से आप बोलो तो मैं बोल सकता हूं कि आप 45 and 46 सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 45 and 46, और ये क्लासवर्क भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है 45, 46 में किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए और आंसर ना आए, तो वो हम डाउट सेशन में या लाइव सेशन में उसको कवर कर लेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा, आंसर ना आए तो भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये हमारा सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।